तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कोई भी जो है मतलब कोई भी नहीं जो PPSSPP मीटर जो है आपके फ़ोन में, आप उसमें गेम कैसे डाउनलोड कर सकते। सबसे पहले आपके वेबसाइट में जाना है जिसका नाम है coolrom.com। पहले आपको खोल लेना है। अब एक चीज़ याद रखना, जो PSP है इसका फुल फॉर्म ही होता है प्ले स्टेशन पोर्टेबल। जब आपको जाना है इस प्लस रोम फाइल्स में, then you have to go there and then you will find this Sony PlayStation Portable. Actually the full form of PSP is Sony, not Sony, it's PlayStation Portable. So you have to go in this Sony PlayStation Portable, just cut the ad, and here you will find some games. So you have just have to click in this. You can, these are all the games, these are the four games which is featured, and you can also browse the game by letter, browse the game by gender, means like shooting games, shooter games like that. If you wanted, now I will download the GTA Vice City. So here's the game. It is only 557 MB. It is compressed because, so you have to just download, click on download now. Done. You can see it will start downloading. Till then we'll download some more games. So now I'm gonna download the test drive unlimited. So let's find test drive. Here's the test drive unlimited, and here's test drive unlimited Europe, means the Europe version. So I'm gonna download the test drive unlimited. It is of 674 MB. Let's start download. Done. You see these two games are done. Till then let's try one more game. Now I'm gonna download this God of War. So you can also find the Activision games like Activision Hits Remixed. Okay, so let's try to download the Call of Duty Road to Victory. Okay, let's download God of War. So in order to download God of War, just we will go to G. Where is G? Here's the G. So we will download the global version of God of War Ghost of Sparta. This is the global version of 908 MB. So let's download it. So guys, you can see the games are downloading. So let's wait. तो अभी फिलहाल सबसे पहले आपको खोल लेना है ZRC, और फिर आपको जाना अपने क्रोम का डाउनलोड से, मतलब मैंने तो क्रोम से किया, अब आपके ऊपर आपने किससे किया। तो ये हमारा अभी GTA Vice City का हमने अभी zip फाइल अभी अपने डाउनलोड किया जो अभी क्रोम से, उसमें क्लिक करेंगे हम एक्सट्रैक्ट हेयर में क्लिक कर देंगे। आप चाहे तो कई फोल्डर बना के उसमें भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट ड्राइव अनलिमिटेड भी एक्सट्रैक्ट होकर ISO फाइल आ चुका है। आपके सामने ये चीज़ आएगा तो आपको स्किप में क्लिक करना है, रिप्लेस में क्लिक मत करना। तो देखिए अब ये Vice City का भी एक आ गया है ISO फाइल। अभी फिलहाल मैंने खोल लिया है PPSSPP गोल्ड। आप चाहे तो सिंपल PPSSPP में भी चला सकते हैं, और अगर आपके पास गोल्ड है तो और बढ़िया बात है, और अगर चाहे तो मैं गोल्ड का भी डाल दूँगा। तो जैसे अब गेम्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पहले यहाँ पर खुलेगा, तो आपको अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाना, क्योंकि वहीं पर हमारे गेम्स थे। तो देखिए जितनी भी ISO फाइल्स थे यहाँ शो होने लग जाएंगी।
तो जैसे कि अगर हमारा GTA Vice City की बात करें, तो जैसे के लिए तो देख सकते हैं ये हमारा GTA Vice City खुल रहा है, और साइड के ऊपर FPS काउंटर भी ऑन है, तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा FPS कैसे ऑन करते हैं। इसे फिलहाल मैं स्किप कर देता हूँ। एक्स के बटन से कंटिन्यू होता है और ओ वाले बटन से बैक होता है, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये चुके मैं GTA Vice City स्टोरीज की स्टार्टिंग है, GTA Vice City स्टोरीज है, तो आप देख सकते हैं चारों से। गाइस ये ओरिजिनल तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब मैं बताता हूँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम ओरिजिनल भी खेल सकते हैं, लेकिन भाई तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, जो तुम्हारे PC की रेंडरिंग होती है ना, वो तुम्हारे मोबाइल की रेंडरिंग से अलग होती है। मोस्ट लोग सोचते हैं भाई हम नॉर्मल भी हम PC में चला सकते हैं, ये कर सकते हैं, वैसे नहीं होता है। PC की रेंडरिंग अलग होती है, मोबाइल की रेंडरिंग अलग होती है। PC की होती है OpenGL से, और जो PC की रेंडरिंग होती है वो होती है हमारे डायरेक्ट एक्स से, लेकिन हमारे मोबाइल की जो रेंडरिंग होती है वो होती है वल्कन से। तो देख सकते हैं हमारे GTA Vice City की जो हमारी जो एक मतलब GTA Vice City जो एक स्टोरीज बीच में GTA Vice City में हमने स्टोरीज डाउनलोड किया है, तो ये GTA Vice City स्टोरीज है, देख सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है। ट्राइंगल से बैठ सकते हैं आप, एक्स जैसे आप दबाएंगे तो ये देखिए आगे चलने लग जाएगा, तो हमारा गेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वर्क कर रहा है। और अब हम देखते हैं हमारा अगला गेम टेस्ट ड्राइव अनलिमिटेड। तो हमने टेस्ट ड्राइव अनलिमिटेड की एक ISO फाइल डाउनलोड कर, देखो गेम स्टार्टिंग पूरी वैसी होगी, बस अंदर तुम्हें ना ग्राफिक्स बिल्कुल टट्टी दिखेंगे। देख प्रॉब्लम ये है भाई, क्योंकि पहली बात PC के लिए अलग ग्राफिक चलते हैं, उनका ग्राफिक कार्ड वो सब होता है, और तुम्हारे मोबाइल में ग्राफिक कार्ड जैसे से कुछ भी चीज़ नहीं होता है। तो ये फिलहाल हमारा टेस्ट ड्राइव अनलिमिटेड है, मैं एक बार चालू करके जल्दी से दिखा देता हूँ। और अगर आप चाहते हो तो अभी जैसे मेरे को ऑनलाइन नहीं खेलना है, तो हम इससे डायरेक्ट वो सब कर सकते हैं। हम लोग जाएंगे स्टार्ट गेम में, और जो हम ये सब स्किप कर देते हैं, मैंने बताया था एक्स के बटन से कंटिन्यू स्किप होता है। तो ये देखिए हमारा टेस्ट ड्राइव अनलिमिटेड कंप्रेस्ड वर्जन मोबाइल के लिए आ चुका है। ये मत सोचना कि भाई वैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, भाई लोएस्ट ग्राफिक सेटिंग्स है, तो मोबाइल में लोएस्ट ग्राफिक सेटिंग्स ही चला सकते हो। तो आपको यहाँ पे 1600000 करोड़ रुपये मिलेंगे। तुम कार को रेंट में भी ले सकते हो, और चाहे तो आर में क्लिक करके आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। ये फिलहाल हमें इंस्पेक्ट तो नहीं करना है, तो हम फिलहाल इस कार को ख़रीदने चलते हैं। तो हम इस कार को रेंट में लेने के लिए एक्स में क्लिक करेंगे, ये है 30 किलोमीटर के लिए, ये है 60 किलोमीटर के लिए, तो हम इसको 30 किलोमीटर के लिए ऑनलाइन मतलब सॉरी रेंट में ले लेते हैं। तो देख सकते हैं हम सब्सक्रिप्ट, तो ये देखो ये है आपका टेस्ट ड्राइव अनलिमिटेड कंप्रेस्ड, आपके टट्टी से टट्टी मोबाइल में चलेगा। तो देखो आपको थोड़ी सी ग्राफिक क्वालिटी कम दिख रही होगी, क्योंकि भाई ये कंप्रेस्ड वर्जन है, और ये है आपके लो एंड डिवाइसेस के लिए। हाई एंड डिवाइसेस के लिए अगला वीडियो जल्दी आएगा, ये था वीडियो लो एंड डिवाइसेस के लिए, इसमें आप ये कंप्रेस वर्जन कर सकते हैं। तो हमने दो गेम भी चेक कर लिए हैं, पहला था हमारा GTA Vice City स्टोरीज, दूसरा था टेस्ट ड्राइव अनलिमिटेड। अब हम खेलेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी रोड टू विक्ट्रीज, ये सारे PC गेम्स हैं गाइस, कोई मोबाइल गेम नहीं है, सारे PC गेम्स हैं। और ये मैं सोच रहा कि कोई फेक एडिटिंग है, ऊपर से मैं ये जो है कीज इनकी एडिटिंग कर रहा हूँ। देखो जैसे एक्स में क्लिक करूँगा स्किप हो जाएगा, देखना एक्स में क्लिक करा न्यू कैंपेन, एक्स में क्लिक करा एक मिनट क्लिक वानी अब वन कैसे पूरा रियल है, कुछ भी फेक एक नहीं है, ये देख सकते हैं राइट के बटन से राइट और लेफ्ट के बटन से लेफ्ट आ रहा है, कुछ भी फेक नहीं है गाइस, पूरा रियल है। ऐसा हम इसको स्टार्ट कर, स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट के बटन पर सिंपल क्लिक करना है, यहाँ से हमें फाइल हमको सिलेक्ट करनी है, और हम फिर ये सब आपके ऊपर, आपको गेम सेव करना वो सब, मैं तो न्यू गेम बना रहा हूँ, तो हम शुरू से बिल्कुल खेलेंगे और आपको दिखाएंगे। अभी हम यूनाइटेड स्टेट्स वाले मिशन पे, मैं सब चीज़ स्किप कर देता हूँ। तो ये वहाँ जो के ऑपरेशन एवलांच कॉल ऑफ ड्यूटी रोड टू विक्ट्री के, जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी का स्टार्टिंग में जो गेम्स आए थे उनमें से एक गेम है। तो ये है, अभी फिर इससे मूव कर सकते हैं आज बाजू मुड़ने के लिए हमको ये इसका स्क्वायर का, और देखो इसका यूज़ करना है। देख सकते हैं हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी रोड टू विक्ट्री भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं गोलियां चला के भी दिखा देता हूँ, जैसे कि हमें यहाँ पे गोलियां चलानी है, तो डाइंग सी डेट आई कैन फ्लाई ओके। और एक चीज़ है, क्योंकि आप मोबाइल में खेलते हो, उसके लिए आपके लिए आपके पास ऑटो फायर का ऑप्शन रहेगा, आपको सब अपनी गन को यूज़ करना है। तो फिलहाल मेरे को क्या करना है, इनने हाथ में दी गन, अब मेरे को अच्छा आर से गोलियाँ चलेंगी, आपको बस
ये आपके ऊपर, और जैसे ये एल वाले से आपका स्कोप खुलेगा और आर से गोलियां चलेंगी। इसके देख सकते हैं हम इसको ऑटो फायर पर यूज़ कर रहे हैं, और अगर मैनुअली हमको करना है तो हम मैनुअली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ऊपर लिखा है अभी। तो गाइस ये हो गई चीज़ें। अब आखिर ये जो बहुत से लोग, अगर आप अपना ये चेंज करना चाहते हो जो आपका वो था जो, तो आपको मतलब यहाँ टूल्स में जाना है, फिर तो उसके बाद आपको जाना है सर, आपको कंट्रोल में जाना है, फिर आपको जाना है यहाँ थोड़ा नीचे आके एडिट टच कंट्रोल लेआउट में, फिर यहाँ से आप अपना इसको इधर उधर कर सकते हैं जो भी आपको करना है। मैंने इस पर रखा है कि ये मेरी उंगलियों के लिए बेस्ट पड़ता है, ये सब मैंने इधर करके रखे हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसे मैंने आपको बताया कि आप जो प्ले स्टेशन पोर्टेबल के जो गेम्स होते हैं वो अपने फ़ोन में PPSS PP एमुलेटर के थ्रू कैसे खेल सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बता दिया है, और आपका लेआउट चेंज करना बता दिया। अब आखिरी चीज़ जो आपके जो लैग्स होते हैं बाकी रेंडरिंग क्वालिटी बढ़ाने के लिए, तो मोड में आप कर लेना इसको बफर रेंडरिंग में, और प्रोसेसिंग शेडर से वही होता है शेडो वेडो का, अब उत्तम रेंडरिंग रेजोल्यूशन आप 2x PSP में कर लेना। आपके पास जैसे देखो, मेरे पास जैसे 10 कोर का फ़ोन है, मतलब मोबाइल में से 10 कोर्स कह सकते हो उसके लिए GPU के, तो मैं इसको 10x PSP तक कर सकता ताकि मेरा बिल्कुल शेडिंग सर, लेकिन मैंने करा नहीं है क्योंकि उतना यूज़ नहीं, तो मैं जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगी वो बेस्ट सेटिंग होती है, प्लीज़ चेंज मत करना, ये मेरी एडवाइस है कि उसे चेंज मत करना। अभी FPS काउंटर जाके FPS में मतलब क्लिक कर देना तो तुम्हारा राइट में ऊपर FPS होने लग जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टाटा।